क्या हो रहा है बहुत ऐसे लेट गए थे सो सनी हम धो लेंगे हाँ दाल तो है उसको पूरा वॉश करने की जरूरत नहीं है जो अम्मी ने मुझे आपने देखा होगा काफी दिनों पहले कपड़ा ला के दिया था तो मैंने कॉट सेट बनवाए थे तो ये है ये कपड़ा अच्छा तो बहुत है मुझे सिकड़ बहुत ज्यादा जाता है मतलब ऐसा ऐसा हो गया लेकिन कंफर्टेबल लग रहा था आइये आया तेरा पांचपोर्ट नहीं आया अरे या ऐसे अच्छा ऐसे पर देखने में वो लग रहा है कि वो है <laughs> कलर अच्छा, अच्छा है बिल्कुल हम लोग क्लोजिंग के टाइम पे सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, है।, वाव। वाव। बेस है। everyone, कैसे हैं? आप सब आप सब चैनल रिएक्शन जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि सबा की प्रेगनेंसी को लेकर काफी वीडियो सामने आ रही है क्योंकि सबा जिस तरह से पेश आ रही हैं और अपने व्लॉग में दिखा रही हैं और कुछ ऐसी बातें नजर आ रही हैं जिससे साफ यही लग रहा है कि सबा कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट है क्योंकि जो हरकतें सबा कर रही है तो उससे साफ ये लग रहा है कि सबा प्रेग्नेंट है क्योंकि जो प्रेगनेंसी में डाइट ले जाती है तो वही सब सबा फॉलो कर रही है दूसरी बात कि सनी किचन में सबा की हेल्प कर रहे है यहाँ तक की बर्तन भी धो रहे हालांकि सनी काफी हेल्प करती थी लेकिन जैसे कि सनी का कहना है कि मैं काफी रेस्टोरेंट में बिजी हूं और काफी मतलब भाग भाग भी है तो अगर उसको देखा जाए तो हमें ये लगता है कि इस बार जो है तो मामला कुछ और है तो हमें यही है कि हो ना हो सबा जरूर प्रेग्नेंट है क्योंकि जैसे कि सबा की दाल खा रही है प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा ले रही है और जिस तरह से सबा को थोड़ा मतलब लेजी मूड में देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि घर से बाहर नहीं निकल रही लास्ट बार सभा को तभी देखा गया था जब नाजा खाला के साथ वो रेस्टोरेंट और शॉपिंग करने के लिए गई थी उसके बाद सभा बाहर या मार्केट कहीं नहीं गई और एक पॉइंट की बात तो ये है कि सभा को छोटी से छोटी चीज भी अगर लेनी होती थी या जरूरत होती थी तो वो खुद जाती थी और रिजा रेहान साथ में रहते थे लेकिन इस बार सनी रिजा रिहान को लेकर गए और जो सामान सभा को चाहिए था तो वो सामान सनी और रिजा रिहान ने खरीदा है तो सभा को लाकर देते हैं तो इससे भी ये लगता है कि सभा को शायद बाहर निकलने के लिए डॉक्टर ने मना किया है और पहले से सभा का जो बैठने का तरीका है वो भी बदल चुका है क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसे बैठा जाता है तो वैसे ही सभा बैठ रही क्योंकि पहले जो सभा का मिसकैरेज हो गया था तो उस वक्त सभा ने काफी भागदौड़ की थी मार्केट बराबर जाना था क्योंकि रमजान का वक्त था तो सभा के लिए जाती थी, थी और किचन में भी काफी काम करती थी लेकिन अब ज्यादा काम करते हुए भी सभा को नहीं देखा जा रहा तो उसी बीच सभा ने ये बात बताई कि रिजा का जो पासपोर्ट है तो वो रेडी होने वाला है तो अब सवाल ये है कि रिजा का पासपोर्ट ही बन रहा है तो रेहान का क्यों नहीं बन रहा जबकि सभा ने कहा था कि रिजा रेहान को दुबई ले जाने वाले हैं तो रेहान का पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था ये बात कुछ सभा ने कही थी लेकिन ज्यादातर जो है ध्यान रीजा के पासपोर्ट पर क्यों दिया जा रहा है जैसे कि सभा ने कहा कि सनी किचन में, में मेरी हेल्प करा रहे हैं तो लोग कहेंगे कि पति से काम करा रही है तो देखे ऐसा होता है की जब हजब देखते है की हमारी वाइफ प्रेगनेंसी में काम कर रही तो वो हेल्प के लिए आ जाते है ये अच्छे इंसान की पहचान होती है अब सभा को लूज कपड़ों में देखा गया क्योंकि ये तो है कि सभा पहले से ही काफी लूज कपड़े पहनती लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही है तो इससे भी फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि सबा ने अपनी प्रेगनेंसी के दिनों में पहनने के लिए ही उन्होंने अपने थोड़े जो ड्रेसेस हैं वो लूज सिलवाए हैं और जैसे कि कप्तान मंगवाया है नाइट सूट मंगवाए हैं क्योंकि दीपिका ने भी प्रेगनेंसी के दौरान काफी लूज कपड़े बनवाए थे तबके दीपिका शेब ने प्रेगनेंसी उस वक्त अनाउंस नहीं की थी लेकिन फिर भी फैंस ने अंदाजा लगा लिया था तो उसी तरह से अब सभा की प्रेगनेंसी का भी अंदाजा लगा रहे हैं और रही बात सभा के खाने पीने की तो अम्मी भी सभा की मन पसंद की चीजें बना बना कर सभा को खिला रही है ये जो आपने क्लिप देखी है तो इसमें आपने देखा की इसमें भी सवाल उठाए गए सभा को ट्रॉल किया गया कि त्योहार का मजाक बनाया है और अंकित हलवा और चने देकर जाता है जब अम्मी पूछती है क्या है कौन लेकर आया है तो सभा कहती है कि हलवा और चना है और अंकित लेकर आया है तो सनी कहता है अच्छा प्रसाद है तो मतलब कहते कि दशहरा है तो इसलिए तो मतलब लोगों ने कहा कि मतलब कि सभा को मालूम नहीं है त्योहार के बारे में ये तो देखे हम उनको ये कहना चाहते है कि मुस्लिम यानी कि जिस तरह से वो अल्फाज निकाल रहे हैं कि कट्टर मुस्लिम तो भाई कट्टर क्या होता है कट्टर हिंदू भी होते हैं कट्टर सरदार भी होते हैं कट्टर ईसाई भी होते हैं आखिर कट्टर मुस्लिम का लफ्ज क्यों निकालते कट्टर मुस्लिम कौन होते हैं कोई नहीं होता कट्टर मुस्लिम आप लोग बनाते हैं आखिर सबा हो या इब्राहिम फैमिली कौन सी कट्टरपंथी दिखा रहे हैं मुस्लिम होने की बहुत से ऐसे त्योहार है जो मुस्लिम लोग नहीं जानते क्योंकि हिन्दूज धर्म में जो है वो काफी ऐसे त्योहार होते हैं जिनके बारे में नहीं मालूम होता और ये भी कहा जाता है कि त्योहार इतने हैं कि दिन कम पड़ जाते हैं और ये वो चाहते हैं कि मतलब अपने अपने धर्मों के बारे में हर किसी को मालूम होता है त्यौहार का लेकिन दूसरे धर्मों वालों को नहीं पता था डेट तक नहीं याद रहती जो बड़े बड़े त्योहार होते हैं वो सभी को मालूम है जो कि छुट्टी भी होती है क्यों हो रही है जो बैठकर कर इतनी लंबी चौड़ी बातें बना रही हैं क्या वो मुस्लिम के जो त्यौहार होते हैं कौन से दिन होते हैं कौन सा महीना मुस्लिमों का कब होता है चांद की डेट किस हिसाब से चलती क्या वो बता सकती हैं हम उन्हें यही कहना चाहते हैं कि धर्म को लेकर आप बात नहीं किया करें अगर आप सभा को ट्रॉल कर रहे हैं तो ये क्या है ये भी तो आपकी कट्टर बनती है आखिर ऐसा क्या करती है गलत इब्राहिम फैमिली जो पीछे पड़े हो कमियां लगती है अब हमें आप में कमियां लग रही हैं कि आप इस तरीके से धर्मों को लेकर बीच में ला रही हैं कट्टरपंथी कट्टरपंथी तो क्या ये अल्फाज आपके गलत नहीं है और भी काफी सारे ऐसे रिएक्शन चैनल हैं वो इस तरीके की बातें नहीं करते तो यही जो लोग बैठते हैं और इस तरीके की बातें फैलाते हैं तो यही धर्मों को लेकर सवाल उठा देते हैं पहले भी सनी को लेकर काफी बातें हुई थी जो की सभा ने वो क्लिप ब्लॉग से डिलीट कर दी थी तब भी बहुत बातें बनाई जो मुस्लिम लोगों को गलत बोलते हैं तो वो लोग जो है वो क्लिप डिलीप नहीं करते वो डाल के रखते क्योंकि उन्हें डर ही नहीं है अगर मुस्लिम होने की कट्टरपंथी वाली बात होती तो सबा उस प्रसाद को खाती ही नहीं अब जैसे कि रेहान ने भी शौक से खाया है जब सबा खीर और पूरी खा रही थी तो सबा कहती है कि अम्मी ने बनाया है क्योंकि मेरा दिल कर रहा था तो इस पर भी वो सवाल उठा गया है कि ये भी पूरी जो है अंकित के घर से आई है और झूठ बोल रही है अगर अम्मी बनाती तो ये पहुंच जाती कैमरा लेकर के कि देखो मेरी पूरी है कैसे बन रही है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए भाई हर चीज ब्लॉग में नहीं दिखाई जाती गलतियां इब्राहिम फैमिली की नजर आ रही हैं आपको तो आपकी गलतियां भी सबको नजर आती हैं अगर नेगेटिव कमेंट सभा के ब्लॉग के नीचे आते हैं या दीपिका शेब के आते हैं तो आपके भी आते हैं आप भी जरा चेक करें अपने कमेंट्स की आपके पास कितने नेगेटिव कमेंट है आते अपने कमेंट के बारे में क्यों नहीं बात करते आप इतनी सत्यवान है तो अपने बारे में भी, भी बताए हम कहते हैं कि हाँ हमारे वीडियो पर भी आते हैं नेगेटिव कमेंट अम्मी पन गोभी बनाती है और पापा के लिए वो अक्सर कर एक सब्जी बनाती है और पापा के लिए लेकर जाती इस पर भी कहा जाता है कि एक सब्जी बनाई जाती ये नहीं कि दो दो सब्जियां बना दे अरे वो बीमार है बीमार इंसान एक सब्जी खा ले वही बड़ी बात है कि भाई इतना लेट हो गया नौ साढ़े नौ बजे हैं ये खाने का वक्त होता है और अम्मी अच्छे से ख्याल रखती है पापा का अपने हाथों से उनको जाकर के खाना खिलवाती हैं और वहीं बैठी रहती हैं और ये भी कहा गया कि पीछे कितना सामान फैलाया हुआ है बिल्कुल साफ सफाई नहीं। अरे आप कर दे आके अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो और ये बात हर कोई जानता है कि सभा के घर में काम चल रहा है वहाँ से सारा सामान हटा दिया तो वो सामान सभा ने नीचे रख दिया है तो आप अगर जरा यहाँ ध्यान से सोचे कि अगर हम भी हों या आप भी हो, अगर काम चलेगा और हमारा बगल में माँ का घर है या भाई भाभी का है तो हम वहाँ सामान रख सकते हैं अगर नहीं है तो हम रेंट पर लेंगे तो वहाँ पर सामान रखेंगे लेकिन जब अपना घर है जब माँ और भाई को ऐतराज नहीं है तो उन लोगों को क्या ऐतराज है उन्हें क्या परेशानी है और हमें नहीं लगता कि सभा हो या फिर अम्मी हो कि वो सामान ज्यादा फैलाती है अच्छी खासी उनके घर में सफाई रहती है हाँ सभा कपड़ा बहुत फैलाती है क्योंकि सभा को बार बार खोलना दिखाना कितने उनके कपड़े आते हैं जिनके उनको रील बनानी होती है अच्छा अब ये कहा गया कि अरे सनी के तो चेहरे पर ग्लो आ गया है सनी के बदल चुका है अरे लोगों को ये भी चुप रहा है कि सनी के चेहरे पर ग्लो क्यों आ गया है भाई तो जो इंसान चिढ़ता है तो वो उस इंसान की तरक्की से खुशी से और चेहरे पर रौनक देख कर वो जलेगा जरूर तो वही सब उनकी बातों पर झलकता है अब आपने देखा कि रूहान जो है वो नीचे आया तो सनी भी काफी खेले रूहान के साथ और सभा ने तो नहीं लिया लेकिन वो बैठी हुई थी खेल रही थी तो क्यूँकी सभा प्रेग्नेंट है तो इसलिए रूहान को गोद में नहीं उठा पाई तो इस पर भी कि अरे भाई रूहान को दिखा रहे हैं भीड़ को दिखानी है तो अगर रूहान को नहीं दिखाती है सभा तब भी ट्रॉल कि भाई भाई भाभी ने मना कर दिया है सभा को अपने ब्लॉग में रूहान को दिखाने के लिए तो अब क्या कर सकता है इंसान भाई दिखाए तो प्रॉब्लम ना दिखाए तो प्रॉब्लम हद है भाई छोटी सी छोटी बातों को पकड़ कर बोला जाता है हम तो खुद सुनकर हैरान रह है जाते हैं भाई इनका दिमाग कितना चलता है क्या एक चीज को देख लेते हैं और उस पर ये सोचते है इस पर हम क्या बोल सकते हैं हमारा भी इतना दिमाग नहीं चलता भाई रीजा झाड़ू लगाती है तो झाड़ू को लेकर बोला जा रहा है जैसे कि अब सभा कहती है कि इतनी रात में क्यों झाड़ू लगा रही हो रात में झाड़ू नहीं लगाते है तो इस पर कहा जा रहा है अरे रीजा को टाइम ही नहीं लगता तो बेचारी क्या करेगी रात में तो झाड़ू लगाएगी अरे रिजा घर का हिस्सा है और जब कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं उन्हें इतनी बातें नहीं मालूम होती है कि रात में झाड़ू लगानी चाहिए नहीं तो ये सब सब रिजा को बता रही है तो रिजा इब्राहिम फैमिली में घर के मेंबर की तरह है वो गैर नहीं है और रिजा अगर झाड़ू लगा भी लेती है तो क्या हर्ज कभी आपने खाना बनाते हुए देखा कि भीड़ इकट्ठी कर रखी है रिजा को रखा हुआ है रेहान को रखा हुआ है क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए और इन्हें दिखा दिखा कर पैसा कमाते अरे भीड़ इकट्ठी कोई भी कर सकता है क्यों नहीं करते वो लोग अगर उन्हें इतना लगता है कि समाज इतने आसानी से पैसा कमा रही है तो इतना आसानी से पैसा कोई भी कमा सकता है कि घर पर बैठ जाए वो ना जॉब करे कुछ करे व्लॉग बनाए और खूब पैसा कमाए भीड़ इकट्ठी कर ले हम तो, तो ये कहना है कि वो सभा ने तो चलो रिजा रिहान को रखा हुआ है वो पांच छह और रख लें और ज्यादा ब्लॉग बनेंगे और ज्यादा पैसा आएगा यानी कि सभा से कई गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे अरे रखे तो बहुत बड़ा दिल चाहिए किसी के बच्चों को अपने घर में रखने के लिए ये जरा सोचे कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है वो कोई नहीं जानता ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इब्राहिम फैमिली के ऊपर कि वो रीजा रेहान को अपने घर में रखे हुए हैं अब सनी जाते हैं रेस्टोरेंट जहाँ पर वो शूट करते हैं खाना बनता हुआ दिखाते हैं रोटी बनते हुए दिखाते हैं ताकि मतलब ये लगे लोगों को कि देखे मैं रेस्टोरेंट में आया हूं उसके बाद सनी कहते हैं रात में आकर के एक बज चुका है मैं रेस्टोरेंट बंद करके घर आ चुका हूँ तो हमने भी पहले वीडियो में कहा था कि सनी आप क्यों नहीं जाते रेस्टोरेंट में वहां की थोड़ी सी क्लिप आप डाल दिया करें वहां से पर जरूर करना चाहिए शूट थोड़ा बहुत आ, क्योंकि लोग आपके रेस्टोरेंट को बदनाम कर रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि रेस्टोरेंट खाली पड़ा है कस्टमर नहीं है लेकिन काफी टाइम के बाद सनी ने ये तो दिखा दिया लेकिन वो नहीं दिखाई जो रेस्टोरेंट में जहां पर कस्टमर आते हैं बैठते हैं तो अब भी सवाल उठेंगे कि वो क्यों नहीं दिखाया क्योंकि जब कस्टमर ही नहीं थे तो इसीलिए सनी ने वहां पर जाकर शूट नहीं किया अब यहाँ पर हमें फिर से सबा और पूरी ब्रह्म फैमिली की गलती नजर आती है रिजा के गले में अब दुपट्टा तो नहीं है रीजा कभी कभी गले में डाल लेती है लेकिन वो हमेशा नहीं डाले रखती तो रीजा को ये ध्यान देना चाहिए कि रीजा बड़ी हो चुकी है और देख कर हमें शर्म आ जाती है तो जैसे कि मुस्लिम धर्म को ब्राहम फैमिली बहुत अच्छे से जानती है क्या है हमारी हदीस में लड़की हो या औरत हो या फिर कोई बुजुर्ग औरत उसको कैसे रहना चाहिए लेकिन यहाँ पर रिजा की जो ये हरकत है ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई रिहान बड़ा हो चुका है शुभ इब्राहिम है सनी है तो रीजा को इतना ध्यान देना चाहिए चले मान लेते हैं कि रीजा पहन नहीं रही है क्योंकि हमें लगता है कि घर में रीजा को कोई नहीं टोकता है इसलिए रीजा ये हरकतें करती है रीजा जब ट्यूशन के लिए जाती है तब एक ब्लैक कलर का दुपट्टा गले में रहता है लेकिन घर आते ही वो भी उतर जाता है और एक बात बताएं हम कि मुसलमान जो है उनके घर की जो औरतें होती हैं बेटियां या फिर बुजुर्ग औरतें होती हैं तो उनकी असली खूबसूरती उसमें होती है जो अपना सर ढक कर रखे पहले तो रीजा बिल्कुल भी दुपट्टा नहीं डालती थी लेकिन काफी ऐसे रिएक्शन चैनल वाले थे जिन्होंने ट्रॉल करके रीजा के गले में फिलहाल कुछ वक्त के लिए दुपट्टा डलवा दिया है लेकिन उनके डर की वजह से थोड़ा दिन थोड़ी देर के लिए डाल लेती लेकिन फिर से वापस वो उसी तरह हो जाती है और तो और अपने पापा के सामने भी रिजा इसी तरह से आती है बेटी खाला मौधा से है तो क्या मौधा में यही सब होता है अम्मी सबा और बेटी खाला हो नाजा खाला हो अम्मा हो, हमेशा दुपट्टा सर पर रहता है हालांकि दीपिका भी कर जाती हरकते बाहर आपने देखा होगा दुपट्टा गले में नहीं होता है और किचन में रहती है तब सर पे दुपट्टा रहेगा ये रमजान के बीच में दुपट्टा रहता है जब किचन में होती है लेकिन दीपिका और रीजा ये दो ऐसे हैं इब्राहिम फैमिली में जो दुपट्टा बस नाम का ही लेते हैं रीजा को आप समझाना चाहिए क्योंकि चले मान लेते हैं दीपिका एक एक्टर एक है लेकिन रीजा कौन है और रीजा को समझाने की जिम्मेदारी अम्मी और सभा की है तो वो समझाए दीपिका की नहीं है सनी सभा अपने घर को बिल्कुल अलग लुक देना चाहती है जिसमें काम काफी चल रहा है बिल्कुल तोड़फोड़ हो चुकी है बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि पिछले दिनों दीपिका शेब ने अपने घर को किया था तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज